हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टिफ़िन के लिए सूखी भिंडी की सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 500 ग्राम भिंडी ली है और भिंडी को हमने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। अब हम एक पैन में एक चम्मच ऑयल लेंगे। 5 मिनट के लिए हमें भिंडी को भून लेना है। भिंडी स्टिकी होती है फ्रेंड्स, इसलिए हमें भून लेना है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होती है भिंडी को हम भूनकर सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी भिंडी भून गई है, अब हम निकालेंगे। उसी पैन में हम सब्ज़ी बना लेंगे। तो एक चम्मच हमने ऑयल लिया है, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देंगे और एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने बारीक चॉप करके लिया है, प्याज को भी हम ऐड कर देंगे। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 हमने लहसुन की कलियाँ ली है और हमने कट करके लिया है और लहसुन को भी ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्याज और लहसुन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है। 1/2 चम्मच हमने भुना जीरा पाउडर लिया है। अब हम सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। और 1 टमाटर हमने कट कर लिया है, टमाटर को ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेना है। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। 1/2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे जो हमने भून के रखी है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमें भिंडी को पकाना है। ये भिंडी की सब्जी बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। तो भिंडी की सब्जी हमारी रेडी हो गई है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है कट करके, हरा धनिया को ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर लिया है। भिंडी की सूखी सब्जी हमारी तैयार हो गई है और टिफिन के लिए तो बहुत ही अच्छी सब्जी है फ्रेंड्स, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है और कम समय में बन के तैयार होती है झटपट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।